अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर क्लास का फाइनल गैस पेपर केमिस्ट्री का, ठीक है। और इसमें हम लोग एज अ गैस इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल के, आपको पिछले पांच सालों को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जितने पंजाब बोर्ड्स हैं, मैंने उन सबके सब पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज कर लिए है, ताकि आपको आसानी होगा पिछले साल पेपर में क्या क्या चीजें आई थी इस चैप्टर के अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से, इस चैप्टर के अंदर से। किसी एक बोर्ड की यहाँ बात नहीं होगी, बल्कि पिछले साल पूरे पंजाब के जितने बोर्ड्स थे उनके क्वेश्चन में से हर चैप्टर के क्वेश्चन उठा उठा के पेपर बना, टेस्ट हमने जो है वो चैप्टर वाइज गैस बना दिया। आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह के आपने क्वेश्चन करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 से शुरू करेंगे। आपको पता है कि वो हमारा चैप्टर जो है वहां से हमारे जो मेन गेम है वो शुरू होती है, ऐसे ही है ना, हम वहां से ही इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चैप्टर नंबर 7 शुरू होने वाला, ये ले चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 6 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके 50+ मार्क्स आते हैं आसानी के साथ। मुझे पता है चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले साल उसमें से कौन कौन से शॉर्ट, कौन कौन से लॉन्ग आए हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के जो शॉर्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस बोर्ड में कितनी दफा रिपीट हुआ, ये देखें। ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट डाउन ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से। पिछले साल ये 2 दफा आ गया, मींस इस साल भी इसके आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास हमारे पास है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ये एक दफा ही आया, फिर डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ये भी एक दफा आया है, फैसलाबाद बोर्ड में है, रावलपिंडी बोर्ड में है, गुजरांवाला बोर्ड में भी एक दफा आया है, मुल्तान बोर्ड है, उसके बाद मेटामरिज्म है, उसके बाद रिफॉर्मिंग 2 दफा आया, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टार्टरिज्म है, और ये सारे क्वेश्चन एक दफा आए हैं, डिफाइन 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 डिफाइन। ये देखें, ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है, व्हाट इज कैटालिटिक क्रैकिंग, और साथ में उसकी क्या लेनी, इंपॉर्टेंस भी लिखनी है आपने। तो ये वाला क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ, मीन्स इस साल भी इसके आने के चांसेस है। आप सब लोग ये समझ जो गैस को ना, किसी के पेपर लीक हो गया, आपके पास आ गया, किसी ने पेपर लीक कर दिया, वो गैस है, नहीं वो गैस नहीं है, वो झूठ है, वो 2 नंबरी है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है पिछले साल आए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में से 90% पेपर द्वारा रिपीट हो जाता है, क्योंकि अगर हम सारे बोर्ड क्वेश्चन इकट्ठा कर लें तो फिर ही हमारी प्रिपरेशन होगी। आप अपने बोर्ड को लेके ना बैठे, उसके कोई चांसेस नहीं कि पेपर में वो आए, ठीक है। तो ये आपके पास कैटालिटिक क्रैकिंग है, उसके बाद क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसके क्वेश्चन है, ये देखें, ये 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइटल फोर्स। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि हम पास हो जाए, बस पास हो जाए। तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन पिछले साल 4 दफा आ सकता है, हो सकता है आपके पेपर में भी इस साल आ जाए। तो इस वजह से आप ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाई वाज इट रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड क्यों हुई, इसके बारे में क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन फिर 2 दफा रिपीट हुआ है, C4H10 का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट कर लें चैप्टर नंबर 7 के, तो इन्हीं में से क्वेश्चन काफी हद तक रिपीट हो जाने हैं हर बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि आप अपने बोर्ड को लेकर बैठे हुए, पेपर इस तरह डिजाइन नहीं होता, पेपर जो होता है डिजाइन करता है, पेपर सेट ने हर बोर्ड क्वेश्चन को देखना होता है पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन किस किस बोर्ड में आए। अब मैं अपने बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन दूं, क्योंकि पूरे पंजाब का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, जो है वो उसका सब्जेक्ट सेम है, हर चीज सेम है, तो फिर आप इसे क्यों कह रहे हो मेरे, मैं अपना बोर्ड कर लूं बस बाकी बोर्ड ना करूं। तो सिंपल आप ये कर लो। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो ये देखो, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर 7 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसपी भी हो सकती है, SP2 भी, SP3 भी, तो ये आपने मस्ट करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक दफा आया है। उसके बाद जो है वो पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसमें आया था, सरगोधा बोर्ड में, तो आपके सामने खास खास बोर्ड भी लिखे हुए। फोर फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक दफा आया। ये देखो, ये क्वेश्चन 3 दफा आया, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, मतलब जो बच्चे बिल्कुल निकम्मे हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया, तो फिर ये वाला क्वेश्चन कर लें। अगर आपको बंदा ये कहता है चलो मुझे आप लोग खुद आंसर दो, ये 4 क्वेश्चन कल पेपर में ही आ जाएंगे, क्या वो आएंगे, नहीं, तुक्का लगना है, आ गया ठीक है, नहीं आया तो ना से। इस वजह से आप इसको फॉलो करो, आपके सामने है, क्रैकिंग दोबारा आ गया, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग दोनों एक दूसरे के नजदीक है,
तो क्या है सेम क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये भी क्या है सेम है, ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है। उसके बाद आपको ऊपर था क्वेश्चन जो गुजरा है हमारे पास वो sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन, वो भी सेम है। तो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं आज आके इस चैप्टर के। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये ले फंक्शनल ग्रुप क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन अगेन वही हाइब्रिडाइजेशन अगेन, ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन अगेन, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन हाउ कैन इट बी इंप्रूव्ड, ये क्रैकिंग वाला रिफॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है, ये वही रिपीट हो गया। जो है डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर नो फ्री रोटेशन होती है, क्यों नहीं होती, शॉर्ट क्वेश्चन उसे लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया भागलपुर बोर्ड में, आपका चैप्टर खत्म। और इस साल भी इन्हीं क्वेश्चन में से आपके लॉन्ग और शॉर्ट रिपीट हो जाने, समझ आ रही है। अब इसमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन दो दफा आया है और ये ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 4 5 दफा आया क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मुझे कोई से दो क्वेश्चन बता दो चैप्टर के, आए ना आए वो बात की बात, मुझे बस बता दे। तो आप फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके सामने, और ये सारे ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 5 दफा, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 8 हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो लेंथी है, हम चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 8 बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 को अगर हम चेक करते हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 9 ये ले, 7 के बाद हम 9 पे आ गए हैं, ठीक है। इसके एमसीक्यूज पिछले साल जो आए हैं इनको अब मैं बाद आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ये ले शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन दो दफा आ गया, कन्वर्ट बेंजीन इनटू गैसोलीन, ठीक है, गायोक्सिल को मैंने उसको रिपीट करना है। उसके बाद हमारे पास है बेंजीन को हमने चेंज करना है, ये एक दफा आया, फिर ये क्वेश्चन दो दफा आया बोर्ड में, सोडियम बेंजोएट वाला, ठीक है। उसके बाद है टोलिन वाला, ये एक दफा आया, ये दो दफा आया। मींस आपके सामने आपको यहां से आइडिया हो गया कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल आए हैं और यही क्वेश्चन चेंज होके इस साल भी आ जाने हैं, समझ आ रही सबको। तो आपने ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, ठीक है, राइट डाउन द टू एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का एडिशन रिएक्शन लिखना है, एक्सरे वाला दो दफा आया है। इसके बाद ये है कूल वाला रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन आपको आया है, इथाइल बेंजीन वाला है, बेंजीन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, बेंजीन कैसे बनती है, ये भी बेंजीन ही है, टीएनटी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोलिन, ये एक दफा क्वेश्चन आया, हाउ विल प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एक्स हेक्सेन, ये वाला क्वेश्चन आया, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एक्स एसिटाइलीन। तो ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे, एक टॉपिक है उसके 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो बार बार आपको वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रिपरेशन वाला। बाद में हाइड्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल ये तो डिफाइन है, ये देखो कितने दफा आई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोसाइक्लिक वाला। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्शन क्या थे कि कोल स्ट्रक्चर के ऊपर, वो दो दफा आ गया पिछले साल ही, तो यहां से आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन मैंने करने हैं कौन से मैंने छोड़ देने हैं, तो यहां से आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये नाइट्रेशन वाला आ गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आ गई है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वुड्स फिटिंग है, फिर OH ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, और ये सारे क्वेश्चन फिर सारे रिपीट हुए हैं आपके सामने है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट हुआ है, सिवाय 5-6 क्वेश्चन के। तो आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको कहते हैं 5 क्वेश्चन ये कर लो आपके हो जाएगा, नहीं, आपने ये सारे क्वेश्चन करने, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ लिया, साथ में एसीटी फोन का पूछ लिया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर की बात की जाए तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन ये देखो, एक 3 दफा पिछले 2-3 सालों में यही आ चुका है, और ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑफ इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, कितने दफा पिछले साल आ गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब पिछले 4-5 सालों में 5 दफा आ चुका है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेथड देखें तो ये दो पिछले साल 2 दफा आ गए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिल्डरक्राफ्ट एक्सेलेरेशन वाले, फ्रीडक्राफ्ट वाले क्वेश्चन पिछले साल आए 4 दफा, इस साल भी आना है, समझ आ रही सबको। तो ये क्वेश्चन रिपीट, राइट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन 2 दफा आ गया, तो ये क्वेश्चन खत्म भी हो गए। और ये वाला रिएक्शन बस आपने याद करना है पूरे चैप्टर में से, जो लॉन्ग के लिए आपने याद करना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला रिएक्शन, ठीक है, आपके सामने आप देख लो, आपको बुक से मिल जाएगा इजिली। तो ये वाले आपके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के लिए, 5-4-5 बनते हैं बस, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, उसके बाद वुड्स फिटिंग है और स्टेबिलिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए अल्काइल हैलाइड्स, उसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें E1 E2 वाले क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं इसके शॉर्ट क्वेश्चन, सारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक दफा ही आए, ये 2 दफा आ गया। लिविंग ग्रुप क्या होता है इन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है,
उसके बाद डायरेक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये एक दफा है। एक्सलेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड, ये दो दफा 4-5 सालों में आया है। फिर ये इसके बाद ये क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ कितने रिएजेंट। यार प्रिपरेशन आप मस्ट किया करो, जो भी चीज की प्रिपरेशन आपको आ रही है ना वो शॉर्ट में लॉन्ग में आपको आ जानी है। अब इस चैप्टर के अंदर देखो प्रिपरेशन आ गया बार बार, ये फिर आपने कन्वर्ट करना किसी चीज को, ठीक है, तो ये भी आपका रिएक्शन ही है। हाउ कैनॉट रिएजेंट रिएक्ट विद मेथनल, तो ये भी आपका रिएक्शन है। एथनल प्रोड्यूस प्रिपरेशन आ गई है, ये भी फॉर्म प्रिपरेशन आ गई है, ये कन्वर्ट करना है। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके उसके अंदर, ये क्वेश्चन। एंटीनोकिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, इथाइल क्लोराइड को हमने प्रिपेयर करना है, ये बात हो गई। SN2 रिएक्शन आ गया, उसकी एग्जाम्पल देनी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल आयोडाइड्स, ऊपर भी आया क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन कितना एजेंट क्या होते हैं कैसे बनते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से डिफाइन, दो दो साल आई, मतलब इंपॉर्टेंट है। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये भी करना है। उसके बाद आर और आई मोर रिएक्ट देन आर एफ, तो जो अल्काइल आयोडाइड अल्काइल ज्यादा रिएक्टेड है किससे, क्लोराइड से, तो ये हमने बताना है, एक दफा आया है। उसके बाद ये फिर रिएक्शन आ गया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सिंपल बात बात खत्म, एक पेज के ऊपर या दो पेज के ऊपर उसमें दी होगी प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड्स, रटा लगा लो 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगी, वो इतना सा काम है। और आपने उसको लंबा खींचना है, यार मुझसे तो होता नहीं है, मैं क्या याद करूं भाई। हर चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन दी हुई है, 5-5, 6-6, 10-10 मिनट के अंदर आप उसको कर लो। चलो ज्यादा टाइम लग जाए, आधा घंटा भी लग जाए, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी लग जाए। कितने चैप्टर्स हैं आपके, 6 चैप्टर हैं मेन, तो जो जो प्रिपरेशन आपको दी हुई है उनको अच्छे से याद कर लो, सिंपल है, आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे लॉन्ग। बाद में इस फाइल को ओपन करो, इसको देखो वीडियो को, आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ आ रही है, ये देख रहे हो काइल हार्ड को प्रिपेयर करना है, तो बार 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 अल्कोहल से कैसे करना है, उससे कैसे करना है, उससे कैसे करना है, आप 2-4 दफा जब उसको करने की कोशिश करो कि हो जाएगा यार, हो जाएगा, अभी भी हो सकता है। आप 1-1 घंटे में रिएक्शन याद कर सकते हो, अपने माइंड से बस ये निकाल दो मुझसे तो कुछ होगा नहीं, कागज लो लिखो पहले घंटे मैंने क्या करना, दूसरे घंटे में क्या करना, तीसरे घंटे में क्या करना, चौथे घंटे में क्या करना है, ऐसे पेपर हो जाएगा। करने वाला बच्चा वो कर लेगा, उसको बस एक गाइडलाइन चाहिए, तो वो मिल रही है उसको। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए, चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन, तो गिगनाइट एजेंट को प्रिपेयर करना, यार वही लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए, वही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, आपको हिंट मिल रहा है कि हर चैप्टर की जो प्रिपरेशन है ना उनको याद करना है, और बाद में आपने इस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है कौन कौन से आए हैं। लो जी गिगनाइट एजेंट को प्रिपेयर करना है, ऊपर आ गया प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे उसने कह दिया प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल अल्कोहल और साथ में एल्केन लिख दिया। समझ आ रही बात की, मतलब क्या है कि हमने विग्नाइट एजेंट को प्रिपेयर ही करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो आया हो पेपर में। उसके बाद ये लो जी 6 दफा पिछले साल रिपीट हो गया है, 6 टाइम। SN1 रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से हैं, और अल्काइल हैलाइड, मतलब SN1 वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये ले इन इन इनकी एग्जांपल देनी है सब चीजों की, किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल की, और लिविंग ग्रुप की, और सबट्रेट की। उसके बाद E1, SN1, S2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तीन चार लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बस। गिव द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद, लो जी इसका रिएक्शन बताना है, और आपको ये रिएक्शन याद कर लेगा, आपके शॉर्ट भी हो जाए लॉन्ग भी हो जाए। ये भी आपकी क्या है, आपका ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, समझ आ रही है, तो ये तीनों अल्कोहल है आपकी। उसके बाद अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं, दोबारा वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपके पास वो गाइडलाइन नहीं है, आपके पास वो माइंडसेट नहीं है, यार वही चीजें हैं, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, तीन पेज होंगे, 2 पेज होंगे, आप डिमोटिवेट होकर बैठे हो, मुझसे कुछ होना नहीं है, मुझसे प्रिपरेशन याद नहीं होनी, क्यों नहीं याद आपसे होनी, यूट्यूब से निकालो किसी भी जो है टीचर का निकालो, वो लेक्चर निकालो, लिखो 12th क्लास केमिस्ट्री उसके आगे वो लिख दो, जो भी टॉपिक है आपके पास सामने वीडियो आ जानी, रिएक्शन समझो याद करो, 2-3 दफा उसको प्रैक्टिस करो, लिखो 1 घंटे मैंने पूरा चैप्टर करना है, इसके रिएक्शन हो जाएंगे। और जब लिखना ही नहीं है तो भाई फिर क्या होना है, फिर सुबह से लेकर शाम के 6 बजे लेकिन याद कुछ नहीं होना। तो इसके बाद आगे अल्काइल हैलाइड क्या है, कौन कौन सी टाइप्स है, हर एक की डिटेल बताओ, किसी एक की डिटेल बता दो। SN2 रिएक्शन की डिटेल हमने बतानी है, ये लो लॉन्ग क्वेश्चन, तो कौन सा रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये ले जी SN1 वाला बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 11, अल्कोहल फिनोल, ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं, तो ये ले जी हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कंप्लीट द रिएक्शन रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना एक दफा आया है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, डिफाइन देनी है। उसके बाद ये रीजन वाला क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन आ गई है लोकस टेस्ट की। उसके बाद इनके नेम लिखने हैं, गिव वन कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनोल, फिनोल के टेस्ट हैं। यहाँ पे टेस्ट बार 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 टेस्ट की बात होगी, तो आप यहाँ से टेस्ट आपने जरूर याद कर लेने हैं। रिएक्शन देना है फिनोल कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि इसमें फिनोल भी है, अल्कोहल भी है, इथर, ये तीनों चीजें, तो तीनों की आई थिंक ये कोई 5 या 6 पेजेस का चैप्टर है। ये वाला बहुत शॉर्ट चैप्टर है, और 5-6 पेज तो 10 पेज आप कह लो, लेकिन बहुत शॉर्ट चैप्टर है, आसानी से आपका हो सकता है। उसके बाद ये रिएक्शन है, कन्वर्ट करना है हमने OH को, बॉन्ड इनको, उनको अल्कोहल को, ठीक है, क्लीवेज बॉन्ड कौन सा है। इसके बाद ये है हाउ डज द इथाइल अल्कोहल रिएक्ट, उसके बाद इथेनॉल गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कंडीशन, हाउ वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है। हाउ स्टार्च प्रोड्यूस फ्रॉम एथेनॉल, एथेनॉल से हम स्टार्च कैसे बना रही है, मोलेसिस कैसे बना, ये देख लो सारे का सारे। हाउ फिनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम फिनोल, हाउ मेथनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लेबोरेटरी। उसके बाद है फिनोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डॉन प्रोसेस, हाउ ये देखो सब के सब प्रिपरेशन है। हिंट, सबसे बड़ा हिंट आपको और गैस, प्रिपरेशन कर लो, बस प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन कर लो। सबसे पहले उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करो, आपके शॉर्ट हो जाएंगे। गैस है ये, गैस वो चक्रों में ना पढ़ो आप, ये 4 चैप्टर क्वेश्चन कर लो, 5 कर लो, इससे अच्छा गैस आपको कोई नहीं मिलना, जो पिछला पेपर में आए हुए हैं और इस साल भी आने हैं, 100% आने हैं इसमें से, 80-90% पेपर आना है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। और ये हर चैप्टर कितने क्वेश्चन है, हर चैप्टर 15-16-18 क्वेश्चन है बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हर चैप्टर के। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश, इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, टेस्ट, टेस्ट की बात हो रही है, ये भी टेस्ट की बात हो रही है, फिनोल को अल्कोहल कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेथनॉल को एथनॉल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टेस्ट है, ये तीनों टेस्ट है, 1-2-3 टेस्ट की बात हो रही है, ये लो ये भी टेस्ट है, ठीक है। मेंशन द प्रोडक्ट व्हेन अल्फिनोल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट बाय गिविंग रिएक्शन, ये लाहौर में आया ये, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल कौन से, एग्जाम्पल दो, ये लो ये 3 दफा आ चुका है। What is we mean by denaturing of alcohol? Wood's fitting reaction आ गया, define why and how alcohol is denatured. ये ऊपर आ गया denaturing वाला, दोबारा से question repeat हो गया। Why can't 100% alcohol cannot be prevented by fermentation? ये बहुत important question है। Ethanol has higher boiling point than the ethyl ether. कैसे, क्यों, 2 दफा आया पिछले साल। Phenol is acidic nature but alcohol is not. ये भी question है। Phenol के बारे में सारे question अब आ गए हैं। एथेनॉल कैसे होती है, कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं उसके प्रोडक्ट्स। उसके बाद इस चैप्टर में पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए, जिस यहाँ पे मेंशन नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है ये भी। इसके गिने चुने 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं जो बार बार आते हैं, एल्डिहाइड में से 2-3 या 2-3 कीटोन में से। उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन है, मैकेनिज्म हमने बताना है, कैटलाइज एडिशन रिएक्शन, जी बिल्कुल, इसमें यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। रिएक्शन बताना है हमने एसीटोन का हाइड्राइज्ड एंड हाइड्रोक्सिल माइन के साथ। इसके बाद HCN है कैसे बनता है एसीटोन से, और डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जी। इसके बाद है यहाँ पे डिस्टिंग्विश कैसे होगा, जब तक हम उसका टेस्ट, यहाँ टेस्ट की बात हो रही होगी, यहाँ पे डिफाइन होगी यहाँ पे। हाउ डज हाइड्राइज रिएक्ट विद एसीटोन, हाउ इज फर्मेंटेड, प्रिपेयर्ड, 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 सारे यही है प्रिपेयर, ठीक है। ये सारे प्रिपरेशन आ गई दोबारा आपके पास। व्हाट आर ऑक्सामाइन्स, ठीक है, उसके बारे में रिएक्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिलिंग रिएक्शन क्या है, व्हाट इज फार्मूला, हाउ इट इज फॉर्म, फॉर्मेशन आ गई है, हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन से है, आयोडीन फॉर्म टेस्ट कौन सा है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड नॉट शोन इन द कंडेंसेशन वाई। उसके बाद ये है टेस्ट बता दिया है, ये टेस्ट है 4-5 वो याद कर लेना, याद यूज द फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन के भी यूज होंगे, फॉर्मल्डिहाइड के भी यूज होंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो राइट डाउन द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और उसी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाना है। टेस्ट है ये दोबारा, इन दोनों चैप्टर में टेस्ट रिपीट हुए हैं 11वें में भी और 12वें में भी, तो ये आपने मस्ट करना है। उसके बाद सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये डिफाइन है, लो जी ये आपके सामने रिएक्शन आ गया, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन आपके सामने आ गया, मैकेनिज्म एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट टू एसीटोन। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राइजाइन विद एसीटोन, तो ये आपके क्वेरी रिएक्शन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 दफा पिछले साल आया, पिछले कुछ सालों में 2 दफा आया ये।
उसके बाद कार्बनल कंपाउंड रिड्यूस बाय NaBH4 गिव द मैकेनिज्म एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग, ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्ट विद द रिएक्शन आ गए, व्हाट इज विद डोर कंडेंसेशन, तो ये देखो डोर कंडेंसेशन देख लो गैस, तुक्के वाला बच्चा तुक्के वाला ये कर ले, डोर कंडेंसेशन को जो तुक्का लगाना चाहते ना वो ये कर ले, कैनिजारो रिएक्शन पिछले साल दो दफा आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोर कंडेंसेशन और कैनिजारो, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस, उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन आए हैं पिछले साल, रेड द यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एड यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दोनों को यूज लॉन्ग क्वेश्चन में आगे तो शॉर्ट में भी आ जाने। तो आपको क्या मिल गया इस चैप्टर का, हेलोफॉर्म, कैनिजारो रिएक्शन और उसके बाद आपके जो थे वो यहाँ पे यूजेस, ठीक है, अडोल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा आया। तो आज आके आपको यही रिएक्शन है, यही क्वेश्चन है चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रहे हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे चैप्टर नंबर 8 रहेगा, उसको हम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 को हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से क्या क्या चीजें आई हैं, ये लें चैप्टर नंबर 8, ये लें जी, KMn4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव रीजन। अब इसमें ऑक्सीडाइजेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजेशन जो है ना KMnO4 की, इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, दो या तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन CH4 को हम कन्वर्ट करना है हमने कैटलिटिक ऑक्सीडेशन के साथ फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, ये भी कन्वर्ट ही है, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद आगे मेरे पास डिफरेंशिएट है, फिर वुल्फ वाला हमारे पास रिएक्शन आ गया, क्रेमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है पाई बॉन्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्केन। उसके बाद ये रिएक्शन आ गया हमारे पास, एक्टिविटी हमने बतानी है अल्केन की अमोनिकल सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बारे में ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये टेस्ट ही और कुछ नहीं है। हाउ कैन थायमिन प्रोड्यूस फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, इसके बारे में, हाउ एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस फ्रॉम द इथाइन, तो प्रोडक्शन आ गई सारी, ठीक है। प्रोडक्शन आपको मैंने बताया, प्रिपरेशन आप याद कर लो, रिएक्शन की प्रिपरेशन याद कर लो, वो सारा कुछ बार बार आ रहा है। व्हाट इज मस्टर्ड ऑफ गैस, हाउ इज इट प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड, तो या इसके बारे में, प्रिपेयर ऑक्सोनाइड फ्रॉम द इथीन, सिग्मा बॉन्ड इज रिलेटिवली इनर्ट, वाई, ये देखो दो दफा आया है, तो ये क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। पॉक्साइड्स, व्हाट आर द पॉक्साइड्स, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन के रिएक्शन की बात हो रही हो। अब देखो हिंट सबसे बड़ा, अल्कीन किस चीज से रिएक्शन किया है, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बन गया है, उसने इस प्रोडक्ट की बात नहीं की, उसने प्रोडक्ट के फार्मूले की बात कर दी, जैसे क्या यहाँ पे अपोक्साइड्स बन गए किससे, अल्कीन से। अब यहाँ पे आपको हिंट में याद होना चाहिए कि अल्कीन ने किस चीज से रिएक्ट करके अपोक्साइड बनाना है, सबसे बड़ा हिंट, अल्कीन ने किस, देखो वो क्या कह रहा है, हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस फ्रॉम दिस, तो आपको पता चल गया कि हमने इस चीज से ये बनाना है, कैसे बनाना है, या ये आपको पूछा जाएगा हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होगा किन किन दो चीजों को हमने रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाना है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेपर होता है, थोड़ा सा जिस बच्चे ने रिएक्शन याद किए उसे पता हो कि किन दो चीजों को मिलाने से कौन चीज बन रही है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। हाइड्रेशन और अल्कीन है, उसकी एग्जाम्पल देनी है, ये देखो कितने दफा, काफी दफा रिएक्शन आ गया है। रेनिकल्स के बारे में बात हो रही, ठीक है, रेनिकल के बारे में बात हुई है, उसके बारे में आपने करना है। सैडरेंस रिएक्शन के बारे में हो रही है, नॉन रिएक्टेंट एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं, पैराफिन, वायल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, राइट, द यूजेस ऑफ इथीन, तो ये सारे आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है, ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। उसके बाद कोलबर्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में, देखो इस चैप्टर में कितने दफा आया है, ये भी वही ऊपर वाला रिपीट हो गया, आज आके वही दो तीन चार ही रिएक्शन ऐसे होते जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ये आपके सामने है। प्रिपेयर अल्केन, ये देखो दोबारा फिर रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, अल्केन को हमने प्रिपेयर करना है, तो कितनी प्रिपरेशन है, एक अल्केन की है, एक इसकी अल्कीन की, एक इसकी अल्काइन की, तो तीनों की प्रिपरेशन आपस में मैच भी होंगी, अल्केन के जो रिएक्शन होंगे ना वो आगे जाके अल्कीन में कहीं ना कहीं, चाहे वो उसकी प्रिपरेशन के रिएक्शन है या उसके अलग से रिएक्शन है, वो आगे जाके अल्कीन में भी यूज होंगे, और जो अल्कीन के रिएक्शन जो प्रिपरेशन में आ रहे हैं हो सकता है वो आगे जाके अल्काइन में भी यूज हो, कहीं ना कहीं जगह पे यूज हो रहे होते हैं, आ जाके रिएक्शन आपने थोड़े से याद करने होते हैं, बाकी रिएक्शन वही चेंज होके आ रहे होते हैं, अगर बच्चा उसको कंसेप्चुअल लेके चले कि हाँ पीछे भी यार ये मैंने पढ़ा है, पीछे किस में आया था,
तो इस तरह से आ जाके आपके वही क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे होते हैं। हमने एथाइन को बनाना है, ये देखो उसकी प्रिपरेशन आ गई, तो एसिटाल्डिहाइड से बनाओ, बेंजीन से बनाओ, क्लोरोप्रोपेन से बनाओ और ग्लाइसोल से बनाओ। अब ये आपका शोर क्वेश्चन भी है कि एथाइन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये दो दो रिएक्शन है, दो दो रिएक्शन आपके शोर भी हो गया, आपके लॉन्ग भी हो गए। चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स क्या है उसके बारे में, राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ वर्थ मैकेनिज्म, उसके बाद है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, ये सरगोधा बोर्ड में आ गया इसके स्ट्रक्चर फार्मूला। और पेपर में नया क्वेश्चन बन के नहीं आना, अगर स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही आना है। इसी वजह से तो मैं आपको पास्ट पेपर से बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन अगर किसी और बोर्ड में आ गया स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने का चैप्टर नंबर 8 में लॉन्ग क्वेश्चन, तो आ जाके यही लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ये चीज समझो आप लोग, क्योंकि पढ़ा पढ़ा आगे टीचर को इस चीज का आइडिया हो जाता है किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आने। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, जो आपकी है जो आपकी इनऑर्गेनिक उसके आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मस्ट करने, और अगर आप ये चैप्टर जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया 80-90% आपकी यही लॉन्ग और यही शॉर्ट होंगे। आई होप सो सब बच्चों को समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करता रहूंगा। आप इन सारे जितने क्वेश्चन हैं इनको आप रेडी कर लेना है, आपकी इंशाल्लाह विद गारंटी अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपका टीचर सामा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब बच्चों ने पढ़ना है, सब बच्चों ने, और पढ़ के दिखाना भी है।